हाय गाइस, वेलकम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। आज आप देख रहे हो ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में। ट्रेड डाउन करके बताऊंगा, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। चलो स्टार्ट करते दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिला नहीं मिला मैं सब आपको बताऊंगा स्टार्ट करते। और इसके अंदर खासियत आप देखोगे तो फ्रंट कैमरे का इसके अंदर ज़्यादा बताया हुआ है कि इसके अंदर कैसा दिया है। 44 MP दिया है सेल्फी कैमरा। तो इसके अंदर मैं पहला सील फाड़ लेता हूँ, फिर इसके आगे का स्टेटस जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ। तो सील मैं ओपन कर लिया हूँ, ये बॉक्स हटा लेता हूँ। ओप्पो का है, 3 लेटेस्ट पीस निकला है, 29,990 रुपये का है। और इसके अंदर बॉक्स में क्या क्या मिला है इसके अंदर भी देख लेते हैं। एक केसी कवर दिया है ट्रांसफर में, वाइट में। कैटलॉग दिया पढ़ने के लिए। सिम कार्ड टूल्स दिया है, ये भी हटा लेता हूँ। मोबाइल को भी निकाल लेता हूँ। और आप देखोगे तो फ्रंट में ओप्पो का नया लेटेस्ट निकला है मेगा पिक्सल। आप देखोगे तो पंच कैमरा दिया है, जो डबल कैमरा दिया फ्रंट में। और इसके अंदर वोल्टेज भी दिया है, चार्जिंग भी फास्ट है। डिस्प्ले का इंच भी देखेगा 6.4 है। अल्ट्रा क्लियर 108 MP इमेज है, 64 MP है विथ 20x जूमिंग है। इसको मैं ओपन कर लेता था अलग। फिनिशिंग की बात करेंगे तो फिनिशिंग भी ओके ही है इसका, और कंफर्टेबल है हाथ में। फीलिंग एकदम अच्छी आती है इसकी फ़ोन की। और पतला फ़ोन है। स्विच ऑफ बटन या कॉर्नर पे दिया है, स्पीकर दिया है, टैप सी दिया है, माइक दिया है, एयरफोन दिया है, वॉल्यूम बटन अप डाउन दिया है। सिम स्लॉट देखेगा तो साइड में दिया है। ये मोबाइल जब तक खुल रहा है मैं आपको सब बताऊंगा। और पीछे से प्लास्टिक का दिया है कवर, यहाँ ओप्पो लिखा हुआ है। और 4 कैमरा दिया हुआ है, फ्लैश लाइट नीचे दिया है। ये लैंग्वेज खुल गया है तलक। मैं बॉक्स के अंदर भी आपको बता देता हूँ क्या क्या मिला है। इसके अंदर एक चार्जर हैवी दिया है, स्ट्रॉन्ग चार्जर भी है, ये भी ज़्यादा 30 वॉट का है। केबल भी दिया है टैप सी में, और एयरफोन है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ हटा लेता हूँ मैं। और इसको मोबाइल की क्वालिटी का जो कैमरा आप देखोगे तो सामने इसका फ्रंट कैमरा दिया है, 44 दिया है प्लस 2 दिया है, डबल कैमरा दिया। तो ऐसा मोबाइल में अभी तक कैमरा जो होता है निकला नहीं हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है 44। इसका कैमरा सेल्फी बहुत अच्छा है। तो पहला मैं इसको पूरा सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। वेलकम 7 कलर OS लिखा है, नया लेटेस्ट वर्जन है इसका। कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले, डिस्प्ले भी आप देखोगे तो 6.4 है। AMOLED डिस्प्ले सुपर है वाला है, एकदम फिनिशिंग एकदम अच्छा। आप क्रॉस में भी चेक करोगे तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी एकदम अच्छी आती है। सेल्फी कैमरा भी इसका अच्छा है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं खोल लेता हूँ पहला, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और इसको मैं पहला स्विच ऑफ कर लेता हूँ। इसके आगे का फंक्शन जो भी रहेगा मैं आपको पार्ट खोलने में सब एक्सप्लेन कर दूँगा, कौन सा कैमरा है कौन सा क्या है। तो ये स्विच ऑफ कर लेता हूँ। कभी भी याद रखो, आप कभी भी खोलेंगे तो इसको पीछे से ब्लोअर से आपको हल्का हल्का हीटिंग करना रहेगा। और इसका कवर जो केस रहता है उसको सेफ्टी से खोलना रहेगा। तो मैं पहला ब्लोअर से हीटिंग कर लेता हूँ हल्का फुल्का। टेम्परेचर आपको नॉर्मली रखना रहेगा, कैमरे पे ज़्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद आपको हो सकेगा तो नीचे से ही खोलना रहेगा। आपको एकदम धीरे धीरे करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है क्योंकि ये जो कवर होता है टूटने का चांस रहता है। इसको एकदम स्लोली करना रहेगा आपको। ये खुल चुका है, आप देखेंगे तो इसके अंदर कैसा दिया है, एकदम फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक का दिया हो। वाटर रेजिस्टेंट इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल दिया है ग्रिप रबड़ का, जो आपको थोड़ा से सेफ्टी देता है पानी के अंदर। तो ये ड्रॉप होगा तो पानी जा सकता है इसके अंदर। और जितने भी स्क्रू है सब ओपन कर लेता हूँ मैं, आपको सब इसके आगे भी बताऊँगा।
दोस्तों ये स्क्रू पूरा ओपन हो चुका है। अभी आपको इस पर ध्यान क्या देना रहेगा, ये जब खुल गया है तो आपको है ना सिम स्लॉट जो होता है साइड का, ये आपको निकालना रहेगा, क्योंकि इसके जो बाजू के रिंग होते हैं इसको निकाले गए, सिम स्लॉट आपका टूटे नहीं, इस वजह से रिमूव करना रहता है। तो आप कभी भी खोलेंगे तो नीचे से ही खोलना रहेगा, ऊपर से नहीं खोलना रहेगा, क्योंकि लॉक ऊपर से रहेगा तो आपका टूट जाएगा। तो हो सकेगा तो ये चार्जिंग की तरफ से आपको पुश करना रहेगा हल्का से, और एकदम स्लोली निकालना है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना आपको। ये ओपन होने से पहले यहाँ देखना स्ट्रिप रहता है स्विच ऑफ बटन की, तो उसको भी केयरफुली आपको ओपन करना रहेगा। अभी ये ओपन हो गया है, और कभी भी याद रख के आप यहाँ से पूरा खोलते जाना, यहाँ ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये जो सिम स्लॉट का दिख रहा साइज़ ये टूटने का चांस रहेगा। अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके अंदर जो मदरबोर्ड रहता है कैसा क्या काम करता है, कहाँ सेंसर है, कहाँ स्पीकर है, कौन सा कैमरा कौन सा वर्क करता है, नीचे स्पीकर दिया हुआ है, टैप सी चार्जिंग का कनेक्शन दिया है, डिस्प्ले का जो कनेक्शन है इसके साइड में दिया हुआ है, और ये जैक दिया है एयरफोन का। तो पहला मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ। ऊपर के मदरबोर्ड ओपन करने से पहले आपको दो स्क्रू रिमूव करना रहेगा, वो भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये दो स्क्रू निकल गया, इसका स्क्रू साइड में यहाँ रहता है और यहाँ रहता है। ये रिमूव होने के बाद आपको ना ये कनेक्टर जितने भी होते हैं इसको ओपन करना रहेगा। बैटरी का कनेक्टर आपको पहला निकालना रहेगा और ये सब खोलना रहेगा। नेटवर्क देखे के साइड में दिया है तो उसको भी रिमूव करना रहेगा, केबल जो साइड में दिया हुआ सिम कार्ड का। ये जब ओपन हो जाएगा तो आपको सेफ्टी से ही खोलना रहेगा, यहाँ भी जो लॉक रहता है उसको ध्यान से आपको निकालना रहेगा कॉर्नर के तरफ से, जैसा भी यहाँ। ये आपको यहाँ ध्यान से ही खोलना रहेगा, कभी भी आप याद रखो ये रिमूव करने से पहला आपका नेटवर्क का जो केबल रहेगा इसको रिमूव करना रहेगा। तो इसको आपको साइड से निकालना रहेगा, क्योंकि केबल जो दिख रहा है आपको साइड से निकालना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट खोलोगे तो स्विच ऑफ की स्ट्रिप होती है जो वॉल्यूम बटन के साथ, वॉल्यूम बटन अप डाउन के साथ क्रैक होने का चांस रहेगा, तो जब आप ऊपर करोगे तो ये मदरबोर्ड को एकदम सेफ्टी से खोलना रहता है। अभी ये आपका रिमूव हो गया है, इसके अंदर आप कैमरा देखेंगे तो सब ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा वर्किंग क्या क्या करता है कैमरे के बारे में। इसके अंदर चार कैमरा दिया हुआ, 64 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल दिया हुआ है, 8 दिया है, 2 दिया है, ये चारों काम करते हैं। मेन 64 मेगापिक्सल यही है, और उसके बाद ऊपर वाला आपका जो मेगा पिक्सल है 13 है, फिर 8 दिया है, फिर 2 दिया है इसके अंदर। और इसके सेल्फी कैमरे में आप जाएंगे तो इसके अंदर कैमरा जो दिया है 44 सेल्फी कैमरा दिया हुआ, 44 ये वाला है और ये 2 वाला है। और जो सेंसर होता है जो कॉलिंग पे बात होता है, सेंसर इधर दिया है साइड में, जो आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है या आप कॉलिंग पे बात करते वो सब रहता। सिम स्लॉट देखेंगे तो डबल सिम कार्ड का, मेमोरी कार्ड का है। इसके अंदर नेटवर्क दिया है, वाइब्रेशन के दिया है, स्विच ऑफ का बटन दिया है जो इसमें कनेक्ट होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रेस होने के बाद स्प्रिंग जैसा रहता है जो साइड में जाता है ये दोनों तरफ, और ये स्पीकर दिया जो कॉलिंग पर आप बात करते हैं। अभी ये स्ट्रिप भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। पहला ये रिमूव करने से पहले आपको क्या करना रहेगा, नीचे ये स्क्रू इसको भी ओपन करना रहेगा। तो मैं पहला बैटरी रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रिप आपको हटा देना, इसको पुश करके आपको बैटरी निकालना रहेगा रिमूव करके। आप देखेंगे तो बैटरी निकल गई, इसका एमएच बैटरी का आप देखेंगे तो 4025 दिया हुआ है, 4025 100 एमएच में आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर तो दिख रहा है 3935 दिया हुआ है। इसके अंदर की जो स्ट्रिप होती है दोनों 2-in-1 दिया है, डिस्प्ले का कनेक्टर साइड में दिया है, इसको भी रिमूव कर लेना है, और साइड में स्क्रू रहेगा तो इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर ब्रैकेट दिया है और फिंगर प्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है इसके अंदर। इसको एकदम सेफ्टी से निकालना रहेगा।
ये ओपन हो गया, एक कनेक्टर आपको निकालना ही रहेगा साइड में, ये चार्जिंग का सॉकेट दिया है टैप सी में, और साइड में दिया है और एक स्ट्रिप। इसके अंदर क्या रहता है दूसरे स्ट्रिप में, जो आपका सब कुछ वर्किंग चलता है, जैसे आपका सेंसर या जैक, माइक, डिस्प्ले का कनेक्शन सब कुछ दिया इंक्लूड, और ये मैं फिंगरप्रिंट दिया है साइट में जो आप स्कैन करते हाथ से, इसके अंदर दिया है। और ये पिन जो है इसको भी रिमूव करना रहेगा, जो नीचे का बोर्ड दिया हुआ है, तो इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये वाला भी चीज़ बताऊँगा कैसा क्या काम करता है ये भी। और कभी भी ओपन करेगा तो नीचे का ऐसा ध्यान दे के ही करना रहेगा, आपको टूटने का चांस रहेगा, नीचे गम रहता है, तो ये सब पूरा सेफ्टी से आपको खोलना रहेगा। इसका कनेक्टर पूरा जितना भी बोर्ड दिया, मिनी बोर्ड दिया हुआ है, तो ये क्रैक होने का यहाँ से चांस और यहाँ से चांस रहता है, तो इसको सेफ्टी से ही आपको खोलना रहेगा। अभी जैसे ही निकल गया है, ठीक है, अभी ये कनेक्टर जो दिया है लास्ट में कॉर्नर के तरफ आप देखेंगे तो ये सिम कार्ड का दिया हुआ है, तो ये स्ट्रिप भी रिमूव होती है। निकाल के मैं आपको बता देता, ये डिस्प्ले के लिए दिया है स्ट्रिप, जो कनेक्शन रहता है। ग्रिप देखेंगे तो रेड कलर का दिया, वाटर रेजिस्टेंट के लिए, जैसे आपका पानी जाता है तो कनेक्टर शॉर्ट नहीं होगा, चलेगा। और ये माइक दिया है साइड में, ये एयरफोन जैक दिया हुआ, बाकी का ये जगह दिया स्पीकर का साइड में, जो म्यूज़िक आप बजाते हैं साइड में, ये स्पीकर दिया, लाउड स्पीकर, क्वालिटी इसकी अच्छी है। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, दोस्तों ये जितना भी पार्ट के बारे में था मैं सब आपको बता दिया। फिर ये सब जितना भी चीज़ है, क्वालिटी एक नंबर है, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं मोबाइल। खाली प्राइस के बारे में थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी एक्चुअली ये कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर मेगा पिक्सल भी अच्छा है, इसका कैमरा भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, सब कुछ अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले एकदम क्लियर। दोस्तों और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।